आज का हमारा टॉपिक है सबनेटिंग। सबनेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में विभाजित करते हैं। ये छोटे छोटे नेटवर्क सबनेट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसमें अलग अलग विभाग हैं और आपके पास एक ही नेटवर्क है, तो प्रत्येक विभाग के लिए आप एक सब नेटवर्क बना सकते हैं, यानी हर विभाग का अपना एक छोटा नेटवर्क होगा। मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके लिए हमारे पास एक नेटवर्क है जिसका आईपी 200.0.0.1 है। इस कॉलेज में मान लो चार विभाग हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इन चारों विभागों के लिए हमें अलग अलग नेटवर्क बनाना है, तो हमें सबनेटिंग करनी पड़ेगी। सबनेटिंग करने से पहले हमें यह देखना होता है कि हमें कितने सबनेटवर्क की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 2x = सबनेट। यहाँ एक्स सबनेट मास्क में यूज होने वाला 1 की संख्या बताता है, यानी एक बिट से हम 2^1 अर्थात 2 सबनेट बना सकते हैं। वहीं 2 बिट्स का यूज करके हम 2^2 यानी 4 सबनेट बना सकते हैं। यहाँ उदाहरण में हमारे पास 4 विभाग है, तो हमें 4 सबनेटवर्क की आवश्यकता होती है। यहाँ नेटवर्क का आईपी 200.0.0.1 है। यह एक क्लास सी आईपी एड्रेस है जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। किसी भी क्लास सी टाइप के आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क यही होता है। यहाँ हम आईपी एड्रेस को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रकार हमारा बाइनरी में आईपी एड्रेस ये होगा। अब हम मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रकार बाइनरी में हमारा मास्क होगा। इस प्रकार यदि हम आईपी एड्रेस और मास्क की एंडिंग करते हैं तो हमें नेटवर्क आईडी मिलता है। चूंकि हमें 4 सबनेट बनाने हैं, तो हम 2^x = सबनेट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इसमें हमें बिट की संख्या पता लगानी है, तो 2^4 होता है, यानी हमें सबनेट के लिए 2 बिट की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हमारा जो सबनेट मास्क होगा वो इस प्रकार से होगा। अब हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192। तो इस प्रकार हमें 4 सबनेट मिलते हैं जिसमें होस्ट की संख्या 64 होगी। प्रत्येक सब नेटवर्क में हम अधिकतम 64 यानी 64 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बड़े नेटवर्क को हमने 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड किया है। बाहर से कोई कंप्यूटर यदि एक्सेस करता है तो ये बाहर वाले कंप्यूटर के लिए ये पूरा एक ही नेटवर्क माना जाएगा, किंतु ये अंदर से 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में जुड़ा है। तो इस प्रकार सबनेटिंग के द्वारा यदि मान लो कंप्यूटर विभाग का कोई कंप्यूटर सूचना ब्रॉडकास्ट करता है, तो अनावश्यक रूप से अन्य 3 विभागों में वो मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं होता। तो इस प्रकार अनावश्यक ट्रैफिक से नेटवर्क को बचाया जा सकता है और सुरक्षा संबंधी इशू भी इस प्रकार सॉल्व किए जा सकते हैं।
इससे नेटवर्क को बेहतर तरीके से ग्रुप करके रखा जा सकता है।